भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में कल करो और मरो का मुकाबला देखने को मिला था और इसी मुकाबले के दरमियान भारत ने जीत हासिल कर ली है। इस मैच के जीत के हीरो तो ऋतुराज गायकवाड़ भी रहे हैं तो वहीं हर्षल पटेल भी रहे हैं जिन्होंने 4 विकेट लिए और साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतक जमा करके अपना पहला अर्धशतक अपने नाम कर लिया है। तो दिखाते हैं इसी पर ये रिपोर्ट कि कल का मैच आखिरकार कितना रोमांचक रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 इंटरनेशनल में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला खूब चला है। उन्होंने अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिका नॉर्थिया के गेंदों की जम करके धुनाई करी। गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी के चलते हुए नॉर्थिया के एक ओवर में 20 रन बने। इसमें लगातार 5 चौके शामिल हैं और 4 चौके तो गायकवाड़ के बल्ले से निकले हैं। वहीं 1 चौका लेग बॉय के जरिए आया और गायकवाड़ ने इस पारी में 35 गेंदों पर 162 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के भी जमाए और करियर का पहला अर्धशतक लगाया है। गायकवाड़ ने पिछले साल ही श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और इस मैच से पहले वे 5 मुकाबले भी खेल चुके थे, लेकिन उनके नाम एक भी अर्धशतक शामिल नहीं था।